आजकल हम खबरों में CAR T-cell के बारे में बहुत सुन रहे हैं। जिस पेशेंट को किसी टाइप का कैंसर है, स्पेशली रिलैप्स्ड लिम्फोमास या रिलैप्स्ड अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमियास, उन पेशेंट्स के लिम्फोसाइट्स हम उनके शरीर से निकालते हैं एक एफेरेसिस के प्रोसेस के द्वारा, और उन लिम्फोसाइट्स को फिर हम रीट्रेन करते हैं, और इस प्रोसेस में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। एक बार वो सेल्स रीट्रेन हो गए तो उन सेल्स को हम दोबारा थोड़ी सी ट्रीटमेंट के बाद दोबारा उनके बॉडी में इन्फ्यूज करते हैं, ताकि वो सेल्स अब जाके कैंसर को बेहतर पहचान पाएं और कैंसर से लड़ने में ज़्यादा सक्षम हो।